हे गाइस, वेलकम टू इंडियन टॉक। आज अपन बात करने वाले हैं 2018 ह्युंडई सेंट्रो के बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट के बारे में। डिस्कस करेंगे और पिकअप करेंगे सभी वेरिएंट्स में से एक ऐसा वेरिएंट जिसको आप परचेस कर लेंगे तो आपका जो पैसा आपने लगाया है वो पूरा कंप्लीटली जो है वर्थ बाय रहेगा। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको ये भी नहीं लगेगा आपने ज़्यादा पैसा खर्च करें और कम खर्च करें। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, 2018 ह्युंडई सेंट्रो के अंदर 5 वेरिएंट जो है अवेलेबल है। सबसे पहला और सबसे बेस वेरिएंट जो है वो है डिलाइट, उसके बाद आता है एरा, फिर आता है मैग्ना, फिर आता है स्पोर्ट्स और लास्ट में आता है एस्टा वेरिएंट, जो कि टॉप एंड वेरिएंट है और जिसकी प्राइस वगैरह जो भी रहेगी इन सभी वेरिएंट्स के लास्ट में अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से वेरिएंट में क्या क्या फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो जो कि बेस वेरिएंट है डिलाइट वेरिएंट, उसके अंदर आपको जो बेसिक फीचर्स सभी वेरिएंट में मिलेंगे वो स्टार्ट होते हैं ड्राइवर साइड एयरबैग, ABS with EBD, चाइल्ड सेफ्टी डोर लॉक्स, 13 इंच स्टील व्हील्स, 155/80R13 टायर, ड्यूल टोन में बैच और ब्लैक कलर में इंटीरियर, टेकोमीटर, 2.5 इंच का MID डिस्प्ले इंस्ट्रूमेंट कंसोल में, पावर स्टेयरिंग्स, फोल्डिंग रियर सीट्स, रिमोट फ्यूल लीड एंड टेल लीड। ये सभी फीचर जो है आपको अक्रॉस ऑल द वेरिएंट, बेस वेरिएंट से टॉप वेरिएंट में आपको देखने को मिलेंगे, चाहे आप कोई सा भी वेरिएंट जो है परचेस करें। जो डिलाइट के बाद वेरिएंट आता है एरा, यहाँ पे आपको मिल जाता है बॉडी कलर्ड बम्पर, एसी विद हीटर, रियर एसी वेंट्स, 12 वोल्ट पावर आउटलेट्स, फ्रंट पावर विंडोज। तो ये सभी फीचर्स जो है आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं अगर कंपेयर करें डिलाइट वेरिएंट से। तो डिलाइट के जो वेरिएंट के जो भी फीचर्स हैं वो तो आपको मिलेंगे यहाँ पे, पर जो एरा में है आपको एक्स्ट्रा फीचर्स मिलेंगे वो सभी मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। चलते हैं इसके आगे वाले वेरिएंट की तरफ जो कि मैग्ना वेरिएंट है, और पता करते हैं मैग्ना वेरिएंट में आपको एरा से और क्या क्या एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो गाइस, मैग्ना की लिस्ट काफी ज्यादा लंबी है, यहाँ पे 4.57 लाख रुपीज से 5.23 लाख रुपीज का पड़ता है मैग्ना। डिपेंड करता है आप ऑटोमेटिक ले रहे हैं, मैनुअल ले रहे हैं, सीएनजी ले रहे हैं। तो जो फीचर्स स्टार्ट होते हैं वो होते हैं क्रोम सराउंड जोन ग्रिल्स, यहाँ पे जो फ्रंट की जो सिग्नेचर ग्रिल है हुंडई की, वहाँ पे आपको क्रोम सराउंड्स देखने को मिल जाती है, बॉडी कलर्ड विंग मिरर एंड डोर हैंडल्स देखने को मिल जाते हैं, सेंट्रल लॉकिंग फीचर मिल जाता है, फायर एक्सटिंग्विशर मिल जाता है सीएनजी वेरिएंट में, साथ ही रियर पार्शियल ट्रे मिल जाती है सीएनजी वेरिएंट में। ये सिर्फ आपको सीएनजी वेरिएंट में ही मिलेगा। डे एंड नाइट इनसाइड रियर व्यू मिरर देखने को मिल जाता है, ब्रेक इंटीरियर मिल जाता है ग्रीन इंसर्ट्स के साथ में, ये ऑप्शनल है, आपको एडिशनल सिर्फ ग्रीन कलर के अंदर ही देखने को मिलेगा, उसका कुछ अलग से चार्ज भी रहेगा। आप जाके नियरेस्ट शोरूम वाले से जो है जाके आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं डीलर से और बात कर सकते हैं। टू रिंग स्टीरियो विद USB एंड ब्लूटूथ सिस्टम आपको मिल जाएगा AMT में। AMT के सारे फीचर्स सब बता देता हूँ, मतलब अगर आप मैग्ना वेरिएंट AMT में लेते हैं तो ये सारे फीचर्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाएगा, Hyundai iBlue ऐप मिल जाएगा, एंटीना मिल जाएगा जो कि माइक्रो एंटीना है, लॉन्च वाली वीडियो में सभी चीज़ें उसके भी बारे में बताएंगे, आप देख सकते हैं जाके। फ्रंट स्पीकर्स मिल जाएंगे आपको, फ्रंट एंड रियर पावर विंडोज आपको मिल जाएगी, चाहे आप मैनुअल लें, CNG लें या ऑटोमेटिक लें। तो गाइस, ये सभी फीचर्स आपको जो है मैग्ना वेरिएंट में देखने को मिलते हैं। चलते हैं आगे और देख लेते हैं फटाफट से कि स्पोर्ट्स वेरिएंट में अपने को क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही है। तो गाइस, यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स वेरिएंट के अंदर जो है सबसे पहली चीज़ मिलती है, वहाँ पे व्हील साइज बढ़ जाती है, 14 इंच के 165/70 व्हील्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं, टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं आपको विंग मिरर्स के ऊपर, फॉग लैंप्स मिल जाते हैं, रियर डिफॉगर, कीलेस एंट्री, 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है जो कि एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले और मिरर लिंक जैसे फीचर्स को सपोर्ट करता है, वॉइस रिकॉग्निशन फीचर्स मिल जाता है, फ्रंट एंड रियर स्पीकर्स मिल जाते हैं, पावर एडजस्टेबल विंग मिरर्स मिल जाते हैं। तो कई सारे ऐसे लग्जरियस फीचर्स इस गाड़ी के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। अपन आगे बात करेंगे कि इन फीचर्स की रियलिटी में रिक्वायरमेंट है या नहीं है, या इन्हें इग्नोर कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट वेरिएंट जो कि टॉप एंड वेरिएंट है, एस्टा वेरिएंट, उसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर एक्स्ट्रा मिल रही है वो चीज़ें अपन जान लेते हैं। जो एस्टा वेरिएंट में आपको एक्स्ट्रा फीचर्स मिलेंगे वो मिलेंगे रिवर्स पार्किंग कैमरा विथ रियर पार्किंग सेंसर, ड्यूल फ्रंट एयरबैग, रियर वाइपर विथ वॉशर, साथ ही जो आपको सीट बेल्ट मिलेगा वो प्री टेंशनर सीट बेल्ट जो है देखने को मिलेगा। तो ये सभी सारे फीचर्स जो है बढ़ जाते हैं एस्टा वेरिएंट में। अब जान लेते हैं कि कौन सा वेरिएंट जो है वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। तो गाइस, यहाँ पे जो वेरिएंट मैंने चूज करा है वो है मैग्ना वेरिएंट, जिसके अंदर आपको नेसेसरी जो भी होती है, जो रियलिटी में आपकी नीड वाली चीज़ें होती हैं, जिनके आपको सही में ज़रूरत पड़ती है, कार में वो चीज़ें होना चाहिए, उन सभी चीज़ों की रिक्वायरमेंट आपकी मैग्ना वेरिएंट पूरी कर देता है। तो अगर आपके पास में बजट टाइट है पर आपको सेंट्रो लेनी है और उसका वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट लेना है तो मैग्ना वेरिएंट आप लीजिए। इसमें आपको काम की सारी चीज़ें मिल जाएगी और जितना आप पैसा खर्च कर रहे हैं उन सभी का जो है रिटर्न आपको मिल जाएगा। पर एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, अगर किसी का बजट बहुत ज़्यादा कम है फिर भी आप डिलाइट वेरिएंट मांग लेना, वहाँ एयर कंडीशन नहीं मिलता है आपको, पावर विंडोज़ नहीं मिलती, मतलब इतने सारे फीचर्स मिस हैं, उस वेरिएंट को लेने का कोई सहारा नहीं, आप एरा वेरिएंट लीजिए। अदरवाइज आप गाड़ी को ही छोड़ दीजिए, उस प्राइस में दूसरी बहुत सारी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ अवेलेबल है उसको ले लीजिए। और अगर आपके पास में पैसे का कोई वो नहीं है कि आप मतलब टॉप वेरिएंट भी ले सकते हैं तो आप एस्टा वेरिएंट को जो है छोड़ दीजिए और i10 ले लीजिए, क्योंकि जहाँ पे एस्टा वेरिएंट जिस प्राइस में आ रहा है वो बहुत ज़्यादा प्राइजी फील होता है और वो वर्थ बाय नहीं है। तो उस प्राइस में अगर i10 आप ले पाएंगे तो वो काफ़ी अच्छी गाड़ी
कंपेयर टू सेंट्रो तो आप i10 सजेस्ट करूंगा कि टॉप वेरिएंट अगर आप ले रहे हैं तो आप i10 ले लें। पर अगर आपके पास में नहीं ऐसा है कि सेंट्रो लेना है तो फिर आप स्पोर्ट्स वेरिएंट तक ले सकते हैं। स्पोर्ट्स वेरिएंट में भी आपको कई सारे अच्छे अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो गाइस ये थी कंप्लीट डिटेल 2018 Hyundai सेंट्रो के बेस्ट वेरिएंट की। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन काम में आई होगी, समझ में आ गई होगी। यहाँ पे एक चीज और बता देता हूँ, Hyundai ने 1,00,000 किलोमीटर या 3 ईयर की जो है वारंटी भी इस गाड़ी के साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट दी है। तो वो भी आपको जो है एक कॉम्प्लीमेंट्री चीजें मिल जाती है, मतलब Hyundai की तरफ से वो देखने में, और सभी चीजें जो अच्छी है। साथ ही यहाँ पे रोड साइड असिस्टेंस भी जो है आपको Hyundai की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलता है। तो गाइस ये थी कंप्लीट डिटेल 2018 Hyundai सेंट्रो के बारे में। प्राइसिंग जो है वहाँ पे मैंने लिख दी थी, आपने देख ली होगी, बाकी आप सभी को पता ही है। और अगर प्राइसिंग डिस्कस करनी है और देखनी है तो आई बटन पे वीडियो दी हुई है लॉन्चिंग की, आप जाके देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है और इन्फॉर्मेशन आपको काम में आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। साथ ही इंडियन टॉक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाले बटन को प्रेस कर देना, ताकि आपको ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज रोज मिलती रहे और कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है ऑटोमोबाइल्स रिलेटेड आप मिस नहीं करें। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू टुमारो इन नेक्स्ट वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।